الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. सद्ज़ीम मोहतरम हजरा साम कराम हाजिरन मस्जिद अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों क़ुरान मुक़दस के तीसरे पारे की सूर्य आल इमरान की पाकिज़ा नूरानी मुबारक बामत मतहर आयते हैं दुआ कीजिए रब्ल इन मुक़दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तो़ीक़ नसीब फरमाए और हम सब को अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए सदना हज़रत ईसा नबी जीना वालसलातम का तजकर तफसील के साथ क़र करीम की सूरत में आया है अल्लाह ताला ने हजरत सलाम के तफसीली अहवाल बयान फरमाए उनमें तगयुर तबद्दुल उनका हमल में होना उनकी विलादत का होना फिर उनका जवान होना उनका तबलीग करना फिर उनका आसमान पर उठाया जाना फिर उनकी वफ़ात की ख़बर देना ये सब क़ुरान में अल्लाह ने बयान किया इससे समझने वाला समझ सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मकबूल बंदे थे अल्लाह के पैगंबर थे न वो खुदा थे और ना खुदा के बेटे थे न खुदाई के हिस्सेदार थे जिसकी विलादत हो जिसकी माँ हों जिसके खाला और ख़ालू हो, जिसकी नानी हो, जिसकी पैदाइश हो जो खाता हो और पीता हो वो ख़ुदा कैसे और ख़ुदा का बेटा कैसे मगर इसके बाद भी जो लोग मुबिला थे शिरक़ में कुफ़र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक तीन अक़ीदे रखते थे लोग कि वो खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं या फिर वो खुदाई का एक हिस्सा हैं और ये अक़ीदे भी उनमें ज़बरदस्ती फैलाए गए थे ज़बरदस्ती फैलाए गए थे जो ईसाई लोग अक़ीदा रखते थे कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं कस्तन नाम का जो बादशाह था उसने उनके ऊपर जुल्म किया और जबर किया और क़त्ल कर दिया बहुत सारे लोग जान बचाकर गारों में पहाड़ों में चले गए बाकी जो बचे उन पर उसने दस्खस्त लिए कि यही अकीदा रखो चुनाचे यहूदी तो उनके बारे में तोहैन आमेज बातें बकते थे और ईसाई उनको खुदा खुदाई का बेटा खुदा का बेटा खुदाई का हिस्सेदार समझते नबी करीम वसल्लम की खिदमत में नजरान के ईसाइयों का एक वफद आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास खत लिखा था कि तुम्हारे सामने तीन सूरतें हैं तीन ऑप्शन हैं तुम्हारे लिए या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और या फिर तुम जिज़िया दो टैक्स अपने मज़हब पे अमल करो लेकिन इस्लामी हुकूमत को टैक्स अदा करो और तीसरा ये था अगर ये भी मंजूर नहीं तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ जब यह ख़त पहुँचा उनके असफ़ उनके बड़े पादरी और उनके ज़िम्मेदार के पास वो घबरा गया और उसने अपने सबसे मशहूर समझदार अहम आदमी को बुलाया उनका नाम था शराहबील इब्न वदा और कहा ये ख़त पढ़िए ख़त पढ़ने के बाद कहा क्या राय है कह राय क्या हमारी किताबों में तस्करा था हमारी किताब में खुद ज़िक्र था कि बनी इसमा में एक पैगंबर आएगा हमें लगता ही वही पैगंबर है इसके बारे में हम क्या राय दे सकते अगर कोई दुनिया का मामला होता तो उसमें आप हमसे कोई राय तलब करते तो हम राय देते भी तो उसने कहा कि बैठ जाओ बादशाह ने कहा अलग बैठ जाओ थोड़ी देर में फिर दूसरे को बुलाया उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने शराबील उसके सामने ख़त रखा होगा तुम्हारी क्या राय है उसने वही कहा जो उससे पहले पादरी ने कहा था तो कहा कि आप भी बैठ जाइए फिर तीसरे को बुलाया और तीसरे ने भी यही राय दी फिर उसके बाद घंटियाँ बजा दी गई नाक़ुश बजा दिए गए और सारी कौम और बिरादरी इकट्ठा हो गई और सबके सामने बात रखी तो ये तय हुआ कि तीनों आदमियों को तहक़ीक़ के लिए भेजा जाए नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास वफद की शक्ल में जो साठ आदमियों का वफद है उसमें तीन बड़े अहम आदमी थे आकिब, सैयद और अबू हारसा इबन अलकमा ये तीनों वफद की शक्ल में जब आए तो बहुत ही आला इन्होंने अपने सफ़र के कपड़े उतारे और आला कीमती रेशमी कपड़े पहन लिए और सोने की अंगूठियाँ पहनी और उसके बाद मदीने वाले कहते थे ऐसा वफद हमने आज तक नहीं देखा मस्जिद नबवी में आए हुजूर पाक वसल्लम को सलाम किया आपने सलाम का जवाब नहीं दिया वो इंतजार करते रहे आपने कोई उनसे बात ही नहीं की तो वो लोग कहने लगे हज़रत उस्मान और अब्दुलरहमान अबिन ओफ़ इन दोनों सहाबा से उनकी पहले से जान पहचान थी उनके पास पहुँचे भाई भाई हम आए हैं हमने सलाम किया जवाब भी नहीं मिला कोई बात भी नहीं हो रही है हमें क्या करना चाहिए तो वहाँ हजरत अली हज़रतली भी मौजूद थे कहा क्या राय है आपकी तो साहब मेरी राय यह है कि ये जो कपड़े पहन के आए थे इनको वही कपड़े पहन लेना चाहिए और अंगूठियां अंगूठियाँ उतार दे चुनाचे उन्होंने यही किया जब आए सलाम किया आपने सलाम का जवाब दिया आपने फरमाया जब तुम पहले आए थे तो तुम्हारे साथ इबलीस था तुम्हारे साथ शैतान था असर की नमाज का वक्त मस्जिद नबवी में हो गया साहब इकराम ने अपनी नमाज पढ़ी तो इन लोगों ने उसी मस्जिद नबवी में अपने एतबार से नमाज पढ़ी और बजाय किबले की तरफ मशरिक की तरफ पूरब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी इसलिए कि मशरिक क़ुरान में जिक्र आएगा सूरह मरीम में कि मशरिकी किनारे की तरफ़ हज़रत मरियम गई थी और वहीं विलादत हुई थी हजरत सलाम की तो ईसाइयों ने उसी को अपना किबला बना रखा था आपने फ़रमाया इनको कुछ ना कहो उन्होंने अपनी नमाज अदा कर ली ये इस्लाम का तवस् है इस्लाम की वसत जरफ़ी है कि मस्जिद अल्लाह के नबी की है वो लोग आ कर के नमाज़ पढ़ रहे हैं मगर मना नहीं किया जा रहा दूसरे किबले की तरफ़ पढ़ रहे हैं फिर भी आपने मना नहीं किया और यहाँ सब मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं और उसके बाद भी मस्जिद में पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलो ये तुम्हारी मस्जिद नहीं बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ देवबंदी अल हदीस और फुला और फुला साहब नमाज़ पढ़ने की कोशिश ना करें ये पाबंदियाँ ये मस्जिदें उससे बड़ी मस्जिद है उससे पाकिदा मस्जिद है फिर वो दूसरे मज़हब के लोग थे वो मोहम्मद वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते थे ये नबी की सीरत है ये नबी की मोहब्बत में लोग कर रहे हैं और अल्लाह के नबी की सीरत क्या है कि वो ईसाइयों को अपनी मस्जिद में उतार भी रहे हैं और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त भी दे रहे हैं। गौरत की नमाज़ पढ़ने के बाद गुफ्तु हुई और उन्होंने कहा कि आप ईसा आलाम की तोहन करते हैं आपने फरमा कि कैसे कि आप कहते हैं उनको कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे जबकि वो खुदा के बेटे थे आपने फरमाया वो अल्लाह के बंदे थे अल्लाह के रसूल थे अल्लाह के कलमे से वो पैदा हुए हैं कहा अच्छा अगर उनके फिर बगैर बाप के तो कोई पैदा नहीं होता तो ईसा का बाप कौन था फिर बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए वो कट हुज्जती पे उतर आए आपने फरमाया कलमे कल्लाह के कलमे से पैदा हुए अल्लाह ताला किसी चीज़ के बनाने के लिए मटेरियल वगैरह का मोहताज नहीं है वो तो जो चाहता है हो जाता है मगर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए इसी पे अड़े रहे बाप के बगैर नहीं होता है उनका बाप फिर कौन है तो कुर करीम की ये आयत नाजिल हुई अल्लाह ने फरमाया कि इनसे बताइए क्या इन न मसला ईसा इन ला का मसली आदम कि बेशक ईसा व सलाम की मिसाल ईसा सलाम की विलादत जो हैरतनाक तरीक़े से हुई है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदम अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे हैं जैसे आदम की हालत ईसी की अगर हालत अजीब है कि बग़ैर बाप के पैदा हुए तो आदम आम की हालत ईसा आलाम से ज़्यादा अजीब है वो बग़ैर बा और बगैर माँ के पैदा हुए मगर उनको तुम खुदा का बेटा नहीं कहते हो और कोई खुदा का बेटा उनको नहीं कहता है तो ईसा आलतम को तुम खुदा का बेटा है कहने पर इसरार क्यों कर रहे हो अल्लाह को कुदरत हासिल है बगैर माँ और बाप के पैदा करे और अल्लाह ने अपनी कुदरत दुनिया में दिखा भी दी हजरत आदम को बगैर मर्द और, और औरत के पैदा कर दिया और हजरत हवा को सिर्फ मर्द से पैदा कर दिया हजरत ईसा को सिर्फ औरत से पैदा कर दिया और आम इंसानों को मर्द और औरत दोनों से कि हम हर तरह कर सकते हैं ये तो आम दस्तूर है मर्द और औरतों से बच्चे पैदा होते हैं लेकिन हम इसके मोहताज नहीं हम चाहें तो सिर्फ़ मर्द से सिर्फ़ औरत से और बग़ैर मर्द और औरत और दोनों के पैदा कर सकते हैं तो अल्लाह ताली ने क्या फरमाया ख़ल कहू मिन तुराब आदम को पैदा किया था अल्लाह ताला ने काहे से मिट्टी से मिट्टी से उनका उनकाब बनाया जिसम और मिट्टी भी पूरी दुनिया की थी और दुनिया की जो मिट्टी है वो एक जैसी नहीं है कलर भी अलग अलग है और कैफ़ियत भी अलग अलग है कहीं की सुरख है कहीं की सफ़ेद है कहीं की सियाह है कहीं की नरम है कहीं की सख्त है इसीलिए औलाद आदम के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कलर भी अलग अलग हैं और मिजाज भी अलग अलग हैं सख्ती है कहीं नर्मी है कहीं गुस्सा है कहीं आजजी है कहीं तकबुर है तो अल्लाह तबार का फरमाता है कि ख़ल कहू मतराब अल्लाह ने उनको बनाया मिट्टी से सुला लहू कन फिर फरमाया कि हो जा फयकून, तो वो हो गए वो बन गए जिस तरह कलम कुन से अल्लाह ने आदम को पैदा कर दिया इसी तरह कलम कुन से अल्लाह तबारक व तै ने हज़रत ईसा को पैदा कर दिया अल्लाह सार फरमा अलक् रब्बिक यही सच्ची बात है आपके परवरदिगार की तरफ से ईसा आलाम के बारे में क़ुरान पाक में अल्लाह ने जो बयान कर दिया है सच्ची और साफ़ और बेगुबार हकीकत यही है इससे न कम और न इससे ज़्यादा फ़ला तक मिलल मुमतरीन न हो ये शक करने वालों में से अल्लाह का बयान आ जाने के बाद अब किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है न हो ये शक करने वालों में से तकुन मुखातब का सेगा है और मुखातब कौन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने तो कभी शक किया नहीं तो अल्लाह करा फला तकुम मिरल मुमतरीन मतलब इसका ये है तकुन में मुखातब हर वो आदमी है जो क़ुरान की आयतें पढ़ हो जो भी कुरान पढ़े तो अल्लाह कह रहा तुम ना हो शक करने वालों में से तुमने पढ़ लिया कुरान अल्लाह का कलाम अब शक करने वालों में से ना हो मुखातब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बल्कि हर वो आदमी है जो कुरान पाक के को पढ़े उसकी तिलावत करे अल्लाह के फरमान को सुने उसको चाहिए कि अल्लाह का बयान आने के बाद फिर शक न करे या खिताब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है लेकिन मुराद आप नहीं हैं बल्कि उम्मत मुराद है आपकी मुखातम आपको बनाया गया मगर मुराद आप नहीं है उम्मत मुराद है दूसरे लोगों को बताया जा रहा है कि तुम शक में मुब्तला ना होना अल्लाह के नबी को कहाँ से शक होगा और क़ुरान में ऐसा कई जगह हुआ जैसे यान नबी तक ऐ नबी जब तुम तलाक़ दो बीवियों को तो यहाँ खिताब नबी से है लेकिन मुराद आपकी उम्मत है तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है फ़ला तो कम मिनलमुमतरीन आप ना हो ये शक करने वालों में से ख़िताब आपको किया गया है मगर मुखातब दूसरे लोग हैं लईन अशरक तले बतन न आमलूक अगर आपने शिरक किया आपके अमल बर्बाद हो जाएंगे जबकि नबी से शिरक हो ही नहीं सकता शर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है और नबी तो छोटे और बड़े हर तरह के गुनाह से मसूम होता है मतलब कहाँ आपसे जा रहा मगर सुनाया उम्मत को जा रहा है कि खबरदार शर्क में मुबतला न होना फ़ला तकम मिनल मुमतरीन कुरान के इस बयान के बाद अगर उनमें तलब हक होती ज़र्रा बराबर गैरत होती उस वफ्द के लोगों में वो लोग क्या करते अपना सर झुका देते कि ईसा को सिर्फ इस बुनियाद पर हम बाप बेटा कह रहे हैं अल्लाह का कि उनका सिर्फ़ बाप नहीं है और आदम की तो माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है बात किस क़दर दिल को छूने वाली है दिल में उतरने वाली है लेकिन बात वही है माने वो जिसको मानना हो जिसको तलब हो लेकिन जो तय कर चुका हो कि हमें मानना नहीं है उसको मनवाया नहीं जा सकता एक होता है जाहिल और एक होता मुआनिद मुतजाहिल जाहिल उसको पता नहीं बेचारे को मालूमात हो गई जो पहले कर रहा था आ जाएगा भाई मुझे मालूम नहीं था अच्छा किया आपने बता दिया एक मुताजाहिल है वो जाहिल है नहीं जाहिल बना हुआ है मुआनिद है मुआनिद का मतलब जिद्दी है हर धर्म है वो जो तय कर चुका है हमें मानना नहीं है तो जाहिल को समझाना आसान होता है मुआनिद को समझाना मुश्किल होता है मुआनिस समझते ही नहीं है और जब वो तय कर चुका है हमें नहीं मानना है तो कैसे आप समझाएंगे उसे? जो लोग हजरत ख्वाज अजमेरी रहमतल्ला की तबलीग से और उनके चेहरे को देखकर मुसलमान हुए थे वो कितनी बड़ी तादाद उनकी है नबे लाख कितने नबे लाख लोग और ये किसने कहा मुसलमानों ने नहीं कहा कि कह दिया जाए साहब मुसलमानों ने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ कर दी ऐसा थोड़ी हुआ होगा कहते हैं पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद ये अरब ये फारसी की कहावत है कि पीर थोड़ी उड़ते हैं मुरीद उड़ाते हैं पीर नहीं उड़ते हैं कौन उड़ाता है मुरीद उनके उड़ाते हैं उनके बारे में बात बढ़ा चढ़ा के किस्से और कहानियाँ उनकी ये करामत है उनकी ये करामत है उनका ये मकाम है फ़र्जी गढ़े हुए लेकिन यहाँ मामला मुरीद का नहीं है कि ख्वाजा अजमेरी रहमत ला से को देख कर उनकी तबलीग से नबे लाख लोग जो मुसलमान हुए ये लिखने वाला बयान करने वाला मुसलमान नहीं है मुतासिब ईसाई है इस्लाम दुश्मन है और जब दुश्मन किसी चीज़ को तस्लीम कर ले इसका मतलब क्या है ये सच्चाई है वरना दुश्मन कैसे मान लेता सदाकत हो तो दिल सीनों में खिंचने लगते हैं वाइज सदाकत हो तो दिल सीनों में खिंचने लगते हैं वाइज हकीकत ख़ुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती नब्बे लाख लोग पढ़ रहे कलमा मुसलमान हो रहे और जबकि ख्वाजा अजमेरी हैं कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के, गुलाम के, गुलाम के बराबर फिर वो ताबई भी नहीं है वो साहबी भी नहीं है वो तबे ताबे भी नहीं हैं बुज़ुर्ग हैं अल्लाह वाले हैं वलियों के सरदार हैं उनकी तबलीग में इतना असर उनकी शक्ल सूरत में ऐसी जाजबियत जब ग़ुलाम का यह आलम है ामों के गुलाम का आलम है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे में कैसी ताबनाकी होगी और आपकी मुबारक तालीमात और तबलीग में कैसा जबरदस्त असर होगा जब नाम उमर सुन के अकरम शाह जहां थर्राते थे इंसाफ से कह दो आका के दरबार का आलम क्या होगा जब उमर के नाम से लोग दहलते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो गुलाम थे तो आका हैं। मगर हम ये देखते हैं कि नबी ये करीम सल्ला को मक्के में देखने वाले करीब से देखने वाले बचपन देखने वाले जवानी देखने वाले और आपके हाथों से जाहिर होते हुए देखने वाले फिर भी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इसका वजह इसकी वजह क्या है ये बात है गौरतलब या नहीं क्या इसका सबब यही है कि ख्वाजा अजमेरी की तबलीग से जिन्होंने कलमा पढ़ा वो बेचारे जाहिल थे रोशनी नहीं थी उनके पास रोशनी उनको मिली तो उन्होंने देख लिया सब कुछ उजाले में और मान लिया उन्होंने वो जाहिल थे इल्म नहीं था इल्म हासिल हुआ लाइन पे आ गए और ये लोग जो अल्लाह के रबी वसल्लम जिनको तबलीग कर रहे हैं दिखा रहे हैं और आपका दीदार सुबह शाम कर रहे हैं उसके बाद जो नहीं मान रहे थे ये जाहिल नहीं थे ये मुतजाहिल थे ये मुआनिद थे ये हर धर्म थे ये ज़िद्दी थे ये तय कर चुके थे कि हमें मानना नहीं है ये वजह है क्या कहा था आपके फूफीजात भाई ने और ये तो अल्लाह का करम है अल्लाह की मेहरबानी है अल्लाह तबारक व ताली कभी कभी ऐसा होता है कि न चाहने के बावजूद भी कोई दौलत दे देता है तो उन्हीं में से थे हजूर पास के एक भाई अब्दुल्ला फूपी भाई कहने लगे मोहम्मद अलैहि वसल्लम अगर मेरी आँखों के सामने आसमान पर सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं और वहां से बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला से एक खत भी लेकर के आ जाए मैं आंखों से देख भी लूँ जब भी मैं कलमा नहीं पढूँ और यह भी था साफ साफ कह देते थे अरबों में खास बात थी मुखालिफ अगर हैं तो खुल के हैं लगी लिपटी कुछ नहीं हमें मानना नहीं है मगर अल्लाह के कब्जे में क्या है दिल हैं उसने क्या कर दिया हजरत अब्दुल्ला को आखिर ईमान वाला बना दिया इकरमा अबू जहल के बेटे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया था जब मक्का फतेह हुआ कि चार मुजरिम हैं जिनको छोड़ा ना जाए अगर काबू पाया जाए उनको कत्ल कर दिया जाए उनमें हजरत इकरमा भी हैं मगर अल्लाह उनको देना चाहता है नवाजना चाहता है उन्हीं में से हब्बार इब्ने असवद भी हैं अबार इब्ने असवद कौन ये वो शख्स था जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिल दुखाया और आपकी चाहिए थी बेटी हजरत जैनब रजी अल्लाह त सवारी को ऐसा मारा कि वो हमल से थी कि वो गिर पड़ी हमल ज़ाय हो गया और उसके बाद मदीन तय्यबा में उसी ज़ख्म के नतीजे में उनकी वफात हो गई उनको कहा जाता है शहीदा जैनब शहीदा हजरत अली रजीला वो फिर सास बनी हजरत फातिमा जहरा की बड़ी बहन उन्होंने वसीयत की थी हजरत फातिमा जहरा ने मेरे इंतकाल के बाद अली अगर तुम शादी करना तो मेरी भांजी से करना जैनब की बेटी से करना उमामा से करना वो मेरे बच्चों को बहुत ख्याल रखेगी और हजरत अली रजी अल्ला उन्होंने इस पर अमल किया हजरत उमामा से निकाह किया वो हजरत जैनब जिनके बेटे नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे जो सबसे बड़े हैं उनका नाम अली है क्या नाम है अली उनको लोग नहीं जानते वो भी अली हैं अली अलैहि वसल्लम के नवासे हैं तो हजरत जैनब से बड़ा ताल्लुक भी आपको था बड़ी मोहब्बत आपको थी कि मैं क्यों ऐसा किया गया हजरत जैनब के साथ जैनब के साथ ऐसा किया क्यों गया सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की वजह से कि ये मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम की बेटी है सताओ इसको आपने फरमाया खैरु बनाती मुसीबत फ़िया, जैनब मेरी बेहतरीन बेटी है जिसको मेरी वजह से सताया गया मेरी वजह से दुख पहुंचाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में उनको गौसल दिलवाया उमें अतीसारिया फरमाती हैं कि आपने फरमाया कि पानी गर्म करो उसमें बेरी की पत्तियां डालो उबालो उसको और उनको गसल दो और जब गसल दे देना तो मुझे इत्तिला करना फरमाती कि किसल दिया फिर इत्तिला दी तो आप जो इजार अपना पहने हुए थे तहबंद आपने वो बदला दूसरा बांधा और वो दिया ये मेरी बेटी के कफन में शामिल कर लो क्यों ये कपड़ा अल्लाह के पैगंबर के जिस्म पर से उतरा हुआ है आपके मुबारक जिस्म से यह टच हुआ है टच तो वो भी हुआ जो बाद में पहना लेकिन ये देर तक आपके जिस्म से लगा रहा है लेकिन इसम को इसको कफन में शामिल कर लो और तदफ़ीन के बाद तदफ़ीन से पहले आप खुद कब्र में उतरे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे गिनती के लोग हैं उनमें एक हज़रते जैनब की वालिदा भी हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रते खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुतहरा जिनकी कब्र मक्के में है जन्नतुल माला में है आप खुद कब्र में उतरे उस जमाने में जनाजे की नमाज मशरू नहीं हुई थी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई मगर आपने कब्र में उनको उतारा और दूसरी खातून हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तो जौजा थी दूसरी अलैहि वसल्लम की जौजा की माँ अलैहि वसल्लम की रौद मतहरा की वालदा याद रखिएगा ये कौन है उम्रमोमिनजरत आयशा सिद्दीक़तुल्कुब्रा रज़ी अल्लाह तहा की वालदा सदीक़ अकबर की रौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा की माँ हजूर पाक सल्म के खुशदामन आपकी सास क्या नाम था उनका उम रूमान रज अल्लाह उम रूमान रजियाल्ला आपने फरमाया मंसर रहू इला, इला उम रूमान जो जो जन्नत की हूर को देखना चाहता हो जो जन्नत की हूर को देखना चाहता हो वो उम्मे रूमान को देख ले ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश दामन है आयशा सिद्दीका की वालिदाएं इनकी कब्र में आप उतरे अपने हाथों से उतारा कै हो गए कौन कौन भूल गए बेटी हजरत जैनब और दूसरे दूसरे हज़रत ख़ीयतुल्कुब्रा रज़ील्हानी माँ और बेटी दोनों की कब्र में खदीजा रजी की कब्र में उनकी बेटी हजरत सैनब की कब्र में तीसरे आयशा सिद्दीक़ा ताहरा रज़ील्हा की वालदा की कब्र में यानी उम्म रूमान रजी अल्लाह की कब्र में तीनों ही चौथी वो मुबारक खातून हजरत अली रजी की वालिदा, अबू तालिब की रोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम की चची फ़ातिमा जहरा रजी अल्ला की सास क्या नाम है उनका फ़ातिमा बिनते असद फ़ातिमा बिनते असद रजी अल्लाह अबू तालिब तो ईमान नहीं लाए मगर वो ईमान लाई थी हुदूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने अबू बकर और उमर से फरमाया कि इनके लिए कब्र तैयार करो वालदा किसकी हजरत अली की कब्र कौन खोद रहा है किससे कहा जा रहा है अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम कब्र तैयार हुई हुदूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे और क़ब्र में बाकायदा लेट गए आप कबर में लेटे आप और लेटने के बाद फिर आपने कब्र में उतारा और कहा उम्मी बादा उम्मी ये मेरी माँ के बाद माँ थी आपकी वालदा तो हजरत आमिना हैं उनका तो बचपन में इंतकाल हो गया उम्मी बादा उम्मी ये मेरी माँ के बाद माँ थी और आपने उनके लिए बड़ी दुआएं की इसी तरीके से एक सहाबी हैं उनका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जुल्बुजाद अब्दुल्लाजी अल्लाह ये भी उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनकी कब्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे हैं ये अब्दुल्ला जुल्बुजादन किसे कहते है? ये ईमान लाए और वालदा इनकी ऐसी थी ईमान लाने से ये होता है कि सबसे पहले मुखालिफ बाहर वाले नहीं होते कौन होता है सबसे करीबी माँ सबसे ज़्यादा चाहने वाली माँ उसकी निगाहें बदल गई और ऐसी बदली चचा किसकी माँ हजरत मुसाबिब ने उमैर की माँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ये कपड़े अपड़े सबसे कीमती कपड़े पहनते थे अगर इस्लाम कबूल करोगे, वो छोड़िए आप रखिए कीमती कपड़े छिन जाए अगर दौलत कौन तो क्या गम लेकिन न छुटे हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुर्बान कर दिया अब्दुल्ला जुल्बादेन ईमान लाए तो सजा में उनके चचा ने सारे कपड़े उतार लिए बिल्कुल बरहना करके बाहर निकाला वालिदा को तरस आया माँ फिर माँ होती है एक चादर फेंक दी चादर के उन्होंने दो टुकड़े किए एक को लपेट लिया और एक को ओढ़ लिया इसलिए उनको कहा था बुजादा चादर जुल बुजादा इन दो चादरों वाले आपकी खिदमत में हाजिर हुए अल्लाह के नबी ने कैसी उनकी कदर की कि मेरी खातिर इसने कितनी कर्बानियां दी हैं गजब तबूक का मौका था रास्ते में उनका इंतकाल हुआ बुखार आया उनको रात का वक्त था साहबा चराग हाथ में लिए हुए थे अल्लाह के नबी नबीसम ख़ुद अपने हाथ पर चारपाई पे नहीं लाश रखी अपने हाथों पे लाश लिए रहे जब तक क़ब्र तैयार होती रही और फिर कब्र में उतरे और आपने फरमाया अबू वक़्र उमर से अदबा नीला आखी को माँ अपने भाई को मेरे हवाले करो अदब अदबराम से जब नबी के हाथों पर लाश देखी कि, कि कब्र में अल्लाह के नबी खुद उतरे हैं और अपने हाथों से कब्र में लेटा रहे हैं तो साहबा की चीखें निकल गईं और साहबा तमन्ना करने लगे काश ये मेरी लाश होती और मेरा जनाजा होता कि उसको ये शहादत हासिल होती अल्लाह के नबी खुद अपने हाथ से कब्र में लेटाते हजरत जैनब कितने हो गए अरे भी याद हैं भी हैं ये खाली हो गए हैं याद है ना कौन कौन हज़रत खदीजा हज़रत ज़ैनब हज़रत फ़ातिमा असद हज़रत अली की वालिदा हज़रत रुमान हज़रत आयशा सिद्दीका की वालिदा और अब्दुल्ला जुल्बुजाद रजील हज़रत ज़ैनब कब्र में जब तो आप उतरे तो आपके चेहरे के ऊपर गम के आसार बहुत गमजदा आप और साहबा तो सब कुछ नोट करते थे इसलिए उनके दो काम थे उनके दो काम थे और हम लोगों का एक ही काम है उनके दो काम क्या थे एक एक अदा को देखना हुजूर की और फिर उसको महफूज करना और फिर यह मालूम करना ऐसा हुआ क्यों है और फिर उसके बाद उम्मत को बताना भी है खुद याद करना है और आगे पहुंचाना भी अगर वो ना पहुंचाते तो यह सब सुनते हैं आप जो सुन रहे हैं बैठ के ये उन्हीं का सदका है यह उन्हीं का तुफैल है बाहर अब जो दुनिया में आई हुई हुई है ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है ये दीन जितना भी है जहाँ कहीं भी है ये सब उन्हीं का सदका है तो उन्होंने देखा हुजूर बड़े गमजदा है फिर देखा कि चेहरे पे आपके बशासत फैल गई घबराहट खत्म तो पूछा बाद में आपने फरमाया कि कब्र की सख्त मंजिल मुझे याद आई और अपनी प्यारी कमज़ोर ज़यीस बेटी मुझे याद आई बड़ी फिक्र थी मुझे क़ब्र की सख्त मंजिल में क्या मामला होगा मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मुतमईन कर दिया गया कि इसके साथ बड़ा अच्छा मामला हो इसलिए पहले गम के आसार थे और फिर वो आसार ख़त्म हो गए आपने फरमाया जब आपको इतना मिली कि किसने किया था आपकी बेटी के साथ ये तो आपने फरमाया क्या नाम था हब्बार इब्न असवद आपने फरमाया कि अगर किसी को मिल जाए तो उसको जला देना एक रिवायत में आपने फरमाया जलाना तो अल्लाह ताला का के साथ ख़ास है अल्लाह आग का अजाब देगा कत्ल कर देगा इतना गुस्सा थे आप मक्का फतेह हुआ आप बैठे हुए हैं हजरत हब्बार दरवाजे से दाखिल हुए दरवाजे से दाखिल हुए एक साहबी आगे बढ़े हब्बार हब, आया है आपने फरमाया आने दो और आके कहा अशदअुल्ला वाशद मोहम्मद रसूल और हजूर मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुँचाई मैं वही मुजरिम हूँ मैं आपका सामना नहीं करना चाहता था मेरा जी चाहता था मैं कहीं भाग जाऊँ कहीं रूपोश हो जाऊँ कहीं बाहर चला जाऊँ मगर फिर आपके अखलाक करीमाना मुझे याद आए कि अल्लाह के नबी के जैसे अखलाक किसी के नहीं हैं उन्हीं अखलाक के सहारे में आपकी खिदमत में आया हो आपने साहबी से मना कर दिया कुछ नहीं तो ये क्या है अल्लाह के नबी इतना गुस्सा थे उनके ऊपर मगर अल्लाह उनको क्या देना चाहता था बोलो हिदायत और मिल गई हिदायत लेकिन जो मानिज होते हैं ज्यादातर सुन्नत अल्लाह की यही है सुन्नत इलाही यही है ऐसा कभी कभी किसी किसी के साथ होता है कि जो आंख बनवाना ना चाहता हो उसकी आंख बना दी जाए जो कलमा पढ़ना ना चाहता हो इस्लाम दुश्मन हो और उसको इस्लाम का गिरवीदा बना दिया जाए और मुसलमान हो जाए ऐसा कम होता है ज्यादातर क्या होता है जब कोई तय कर लेता है हमें मानना नहीं है तो फिर क्या होता है वो महरूम कर दिया जाता है ये जो ईसाइयों का वफद था ये सब जानते थे इंजील पढ़ने के बाद आप आखिरी नबी हैं और कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है और अल्लाह का आखिरी फैसला आ चुका है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह तुदरत की, की निशानी है अल्लाह ने बगैर बाप के कल कुल से उनको पैदा कर दिया है जानते थे मगर तय कर लिया था कि मानना नहीं है इतनी साफ बात सुनने के बाद भी रिवायत में आता है कि एक आलिम को ईसाइयों ने कैद कर लिया तो उनसे कहा कि आप ईसा अलतलाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं इस्लाम का अकीदा ये वो अल्लाह के बंदे थे तो अल्लाह के बेटे थे तो उनका कैसे अल्लाह के बेटे थे तो उन्होंने कहा बगैर बाप के पैदा हुए तो उन्होंने फ़ौर यही कहा क्या तो फिर आदम आलाम को ईसा आलाम से पहले बेटा होना चाहिए वो तो बग़ैर माँ के वो बग़ैर बाप के पैदा वो आलिम थे ना वो आलिम थे कहने लगे कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे इसलिए वो खुदा हुए तो उन्होंने कहा कि मुर्दों को जिंदा वो करते तो मौजिदा था जिंदा तो अल्लाह करता था कुमरा कहते तो जिंदा कर देते थे और ईसा अलैहिस्सलाम ने चार आदमियों को जिंदा किया है कितने चार आदमियों को और तुम उनको खुदा कहने लगे और तुम्हें पता है हजरत हिजकील ने आठ हजार लोगों को जिंदा किया है कितने आठ हजार उनको क्यों नहीं कहते हो खुदा सूर्य बकरा में आ चुका है आठ हजार लोग ताउन की बीमारी के खौफ से बाहर निकल गए थे और अल्लाह ने उन सब पे मौत तारी कर दी थी ये कहा तो गर्जे की इस्लाम के दलाइल ऐसे हैं जिनके सामने कोई ठहर नहीं सकता मुआनिद ही हर धर्म ही हो वो ही नहीं मानेगा वरना अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर गैरत है और हक की तलब है तो वो मान ही के उठेगा मगर ये सब कैसे लोग थे सब मुआनिद थे हर धर्म थे इतनी साफ कुरान की आयत नाजिल होने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने क्या कहा सुनिए फमन हाज का फी मदिमा जहा मिनल अ पैगम्बर अल्लाह का साफ फरमान आ जाने के बाद भी जो आदमी आपसे इस सिलसिले में बहस करे जिदाल करे लड़े निम्बा दिमा जा का मेरे इसके बाद अल्लाह की तरफ से कतई वाकई हकीकी इल्म आ चुका है तो उसका इलाज अल्लाह ने बताया क्या अब वो ऐसे तो मानेगा नहीं तो फिर क्या कहेंगे आप फकुल तो आप उससे कहिए क्या कहिए आओ मुबाहिहिला कर ले आओ मुबाहला कर ले मुबाह का मतलब सुनिए फकुल तो आप कहिए ता आ जाओ नब ना अना हम हम बुला लें अपने बेटों को वह अब अकुम और तुम्हारे बेटों को वह निशा अना व अकुम और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को व अनफुसना व अनफु सकुम और अपनी जातों को और तुम्हारी जातों को यानी अपने जिस्मों को और तुम अपने जिस्मों को बुला लें सब लोग सुमनब फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के दरबार में दुआ मांगे फनज अल्लाका जबीन और लानत करें झूठों पर तुम भी आ जाओ बीवी बच्चों को लेकर के सबको और हम भी आ जाए खुले मैदान में अल्लाह के सामने गिड़ कर दुआ करें कि अल्लाह हम में से जो झूठा हो उस पर लानत बरसा उस पर अपना कहर नाजिल कर दे इसका नाम है क्या नाम है इसका मुबाहला आपने यह उनसे कह दिया कुरान की जब यह ऐसे मान नहीं रहे आखिर में इनसे यह कह दीजिए पैगंबर तो आपने उनके सामने ये बात रखी मुबाहला कर ली तो वो कहने लगे हमें वक्त दीजिए थोड़ा सा मशवरा कर ले इसलिए कि ज़ाहिर है उनको दिल से यकीन तो तो था ही नहीं अपने हक़ होने का और अल्लाह के नबी के बरहक होने का यकीन दिल से था वरना कहते कि जी हाँ तैयार चलिए कल मशवरा कर ले अब वो मशवरा करने गए तो जाहिर है वो, वो पढ़े लिखे लोग थे जाहिल बने हुए थे हक़ तो उन पर वादे था उन्होंने कहा कि देखो मुबाहला न करना तुम्हें पता है ये अल्लाह के नबी बरहक़ हैं इंजील बताती है और क़ुरान अल्लाह का कलाम है ये भी तुम जानते हो और जिस नबी का आने का वादा था ये वही नबी हैं और जब किसी ने किसी नबी से मुबाहला किया है तो वो जिंदा नहीं रहा सलामत नहीं रहा सब के सब बर्बाद कर दिए गए अगर मुबाह करोगे तो बर्बाद कर दिए जाओ कहले फिर क्या करें तो कहा ऐसा है कि सुलह कर लो इनसे जिजिया दूसरा दू, दो बातें आपने तीन बातें रखी थी या तो इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया टैक्स दे दो और या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ जिजिए पे सुलह कर ले वो आए हदीस में यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त से पहले अभी मुबाहला मंजूर नहीं हुआ पहले ही आपने हजरत फातिमा सईदना हजरत हसन सईदना हजरत हुसैन रज को बुला लिया अगर मंजूर होता तो अल्लाह के नबी किसको बुलाते फिर निशाना व निशा कुम अपनी बीवियों को बुलाओ औरतों को और हम अपनी औरतों को बुलाएं तो अल्लाह के पैगम्बर वसल्लम अपनी तमाम अजवाज मतहारत को बुलाते और यही नहीं बल्कि सहाबा भी अपनी अपने बच्चों को अपनी अपनी बीवियों को लेकर के आ जाते एक रिवायत में है रूहुल मानी की रिवायत हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने बच्चों को और फारूक आजम अपने बच्चों को हज़रत ओस्मान अपने बच्चों को भी लेकर के आ गए लेकिन मुबाहला हुआ ही नहीं उन्होंने मंजूर ही नहीं किया वो डर गए डर क्या गए उनको मालूम था पहले से यही होना है लिहाजा उन्होंने सुलह कर ली और क्या सुलह कर ली कि एक हज़ार दो हज़ार हुल्ले, हुल्ला कहते हैं एक ही कलर की ऊपर की चादर एक ही कलर का तहबद यही अरबों का लिबास था खुल्ला एक हजार सफर के महीने में और एक हजार रजब के महीने में भेजा करेंगे हम और इसी तरीके से कुछ असलहे और कुछ बकरियां और कुछ घोड़े और कुछ ऊंट ये तय हुआ और वो लोग वापस चले गए यह है मुबाहले की आयत अब सुनिए इसमें इसके नाम से एक ईद मनाई जाती है उसका नाम है ईद ईद मुबाहला। एक ईद और मनाई जाती है उसका नाम है ईद गदीर एक ईद मुबाहला, एक ईद गदीर लेकिन इन दोनों ईदों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानों की तो सिर्फ बोलो तो हैं दो है ना सोच लो मुसलमानों की तो सिर्फ दो ही ईदें हैं ईद फितर ईद उल और एक नबी भी तो है कब वो ईद थोड़ी है वो तो बनाई हुई है जैसे ये लोग बनाते हैं ऐसे उन्होंने बना ली वरना इस्लाम में इतने वाकए बड़े अजीम शान हुए हैं कि हर वाकया ईद बनाने के लायक है मगर मुसलमानों का मज़हब कैसा है खुद साख्ता तो है नहीं जो जी चाह दाखिल कर लिया जो जी चाह निकाल दिया है आर्टिफिशियल चीज़ हो तो क्या है डिज़ाइन उसमें बदलते रहें यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये ये तो ओरिजिनल है इसमें अगर कुछ बढ़ाओगे तो मुसीबत घटाओगे तो मुसीबत ये असली हालत ही पर रहेगा तो इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं और किसी तीसरी ईद के मनाने का मुसलमानों को इख्तियार भी नहीं है वरना अगर यही होता तो यह दीन आज असली शक्ल में हमारे पास न होता ना मालूम कितनी ईदें होती इतनी होती इतनी तो किसी मज़हब में ना होती अरे है या नहीं बताइए हज़रत फ़ारूक आज़मर ख़त्ताब रज़ी के पास एक आदमी आया और वो यहूदी था कहने लगा कि आपके मज़हब में एक ऐसी आयत अल्लाह ने नाज़िल की है इतनी कीमती है वो आयत अगर हमारी तौरात में वो आयत नाज़िल होती तो अल्लाह की कसम उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते वो आयत छठे पारे में है सूर मायदा में है तुलकुम दीन अकुम वतम तोम नती इस्लाम अदीना आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया अपनी नेमत को तमाम कर दिया और हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को मजहब की हैसियत से पसंद कर लिया ये कुरान की आयत तो हज़रत फ़ारूक आजम ने उससे क्या कहा मियाँ हमें पता है ये जिस दिन नाजिल हुई वो जुमे का दिन था और जुमे का दिन क्या होता है तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन होता है और हमें पता है ये जहाँ नाजिल हुई वो सबसे अफजल मकाम होता है और जिस दिन अल्लाह सारे लोगों को वहाँ हाज़रीन को बख्श देता है यानी आरफात का मैदान मगर हमारे मजहब में किसी चीज को ईद बनाने का इख्तियार नहीं है ये तुम करो चुनाते वो जो यहूदी करना चाहते थे जो यहूदी करना चाहते थे जिसकी तमन्ना थी उनके शागिर्द कर रहे इब्ने सबा यहूदी तो था इब्ने सभा यहूदी तो था उसी ने तो ये सब अकीदे सिखाए तो वहीं से कारूरा मिलता है ताने बाने इसलिए वो ईदें जो हैं बनती चली जा रही तो बाहर सूरत और इसमें भी बहुत सारे चीज़ें उन्होंने टाकी कहने लगे देखिए इस आयत में जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ किसको बुलाया सिर्फ़ इन्हीं को बुलाया किसको हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा हज़रत हसन किसी और को नहीं बुलाया तो ये बात ही गलत है क्यों गलत है मुबाहला अगर होता और फिर आप किसी को ना बुलाते तो ये बात कहने की होती कुरान में तो कहीं जिक्र नहीं किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया बस ये कहा तुम अपने को बुलाओ हम अपने को बुलाए हदीस में है और वो भी हदीस में यह नहीं है कि किसी और को आप बुलाते नहीं हदीस में तो है अबूबकर सिद्दीक भी अपने बच्चों को लेकर के आ गए मुबाहला हुआ ही नहीं और जब हुआ नहीं तो फिर खुशी किस चीज़ की जब हुआ नहीं तो ईद कि? फिर कहते हैं कि देखो बेटों से मुराद यहाँ हज़रत हसन हुसैन है हुजूर के बेटे बेटा कहा जाता है अपने सगे बेटे को और औलाद की औलाद को भी बेटा कहा जाता है मजाजन कह दिया जाता है और कहा अपने आप को बुलाओ अनफुसना व अनफुसकुम तो अपनी ज़ातों को बुलाओ अपनी ज़ातों को बुलाएं कहा इससे मुराद हजरत अली हैं यदि हुजूर करें हम अपने आप को बुलाओ अपने आप को बुलाओ तो अपने आप को बुलाने का मतलब हम और अली और बाकी तुम अपने जिसको समझो बुलाओ तो नफ्स से मुराद नफ्स कहते हैं ज़ात को नफ्स मुराद हजरत अली हैं जब हजरत अली हैं नफ़ से मुराद तो फिर हज़रत अली ही खलीफ़ा हुए जब वो नफ़्स हैं अल्लाह के अल्लाह अल्ला के नबी के जितने भी साहबा कोई तो नफ्स है नहीं आपका हज़रत अली नफ्स हैं जब हज़रत अली नफ़्स है तो फिर वही मासूम भी हैं जैसे नबी मासूम हैं और वैसे क्या हैं वो नबी के बाद खलीफ़ा भी हैं मगर डर में कहा नहीं उन्होंने डर में कहा नहीं जब हज़रत अली क्या है हजूर वसम का नफ़्स हैं तो अल्लाह के नबी तो नबी हैं तो हज़रत अली क्या हुए तो ये क्यों नहीं करो वो भी नबी है क़ुरान है? ने कहा कुम रसूलुम मिन अनफुकुम तुम्हारे पास रसूल आए हैं मिन तुम ही में से या अनफुस से मुराद हज़रत अली नहीं है तमाम इंसान तमाम अरब कि देखो ही में से आए हैं जहाँ नफ्स मिले वहाँ उससे हज़रत अली मुराद हैं ये भी नहीं सोचते अगर इससे मुराद हज़रत अली हुए नफ्स से यानी हुजूर में और हज़रत अली में अगर कोई फ़र्क नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी गाली हो जाएगी फिर इसलिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी से फिर उनका निका सही हो जाएगा मगर इससे कोई मतलब नहीं है बस तो बाहर सूरत इसकी तशरी इतनी ज़रूरी थी इसलिए इसका तस्करा हुआ अल्लाह ताला क्या फरमाता है इन नहाजा लहू हक ये है वही सच्ची बात जो अल्लाह ने बताई है ईसा असलाम के बारे में और जो पूरा किस्सा बयान किया है और उनके हालात और कैफियत बयान किए हैं यही सच्ची और बरहक बात है ना वो खुदा हैं वो खुदा के बेटे हैं नवखुदाई के हिस्सेदार हैं और कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के वनला अज़ीज़ुल हकीम और अल्लाह ज़बरदस्त है और बाकी सब जेबदस्त हैं ज़बरदस्त सब सबसे ऊपर जैरदस्त नीचे हर मखलूक अल्लाह ताला की कुदरत के नीचे है और अल्लाह ताली की क़ुदरत सबके ऊपर है लिहाजा जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे कि ईसा भी खुदा है या खुदा के बेटे हैं तो क्या है वो अज़ीज़ है ज़बरदस्त है वो मुजरिम को सज़ा देने पर कादिर है फरमा हकीम है यानी ये नहीं क़ादिर है तो फिर हर वक्त कुदरत का इधार किया करे हिकमत वाला है जब ज़रूरत होती है मसलहत होती है उसी वक्त वो क्या करता है सजा देता है अल्लाह तारा ने फिर क्या कहा पहले तो क्या कहा ईसा आल इस्लाम को अगर तुम्हें समझना है तो उनकी विलादत वगैरह समझ लो वो खुदा नहीं थे न भी खुदा के बेटे थे ना खुदा के फिर आदम वाली मिसाल दे समझाया फिर जब भी समझ में नहीं आ कहा मुबाहला कर लो मुबाह के बाद भी अगर ना माने हैं पैगंबर तो फिर क्या करना है सुनिए फरमाया फ़िन तवल्लव अगर वो रू गर्दानी करें अगर वो मुँह फेर लें मुबाह के बाद भी हकीकत को न माने तो समझ जाइए ये सच्चे तालिब नहीं हैं ये फसादी हैं अब बाकी क्या बचा भाई कह दिया आओ मैदान में आओ और आने के बाद क्या कर लो हम लोग मिलकर के दुआ करें जो हम में से झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो तो आए भी नहीं अरे मंजूर कर लेते अगर सच्चाई थी जब सच्चाई नहीं थी वो मंजूर भी नहीं किया और फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं इसका मतलब क्या है खालिस फितना और फसाद बर्पा करना है हजरत अब्दुल्ल इब्बास रजल्ला फरमाते हैं बड़ी अजीब बात फरमाई कहने लगे कि अबू जहल ने एक मरतबा कहा था हजूर पाक सल्लम से कि अगर आइंदा आपको मैंने काबे में नमाज पढ़ते देखा तो अपना सर मैं आपकी गर्दन पे रख दूंगा उसने ये कहा था धमकी दी थी आपको तो कुरान में उसका जवाब नाजिल हुआ बिल्कुल सूरह इकरा की आखिरी आयत रन बिन नासिया नासियतिन काजिबा है फल यदू ना फल यदू ना दिया सनत जबानियाँ अल्लाह ने क्या कहा अगर वो बाज नहीं आया है पैगम्बर कौन अबू जहेल जो धमकी दे रहा है उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर हम उसे घसीट लेंगे और हम ज़बानिया जहनम के फरिश्तों को बुला लेंगे ये कहा क़ुरान ने चुनाचे अबू जहेल आया भी था इसी इरादे से देखा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और हम झूठे साबित होंगे अगर हमने तो कहा था हम पैर रख देंगे इसी इरादे से जैसे ही आगे बढ़ा तो लोगों ने देखा एकदम से हाथ यूं किया और पीछे भागा जैसे गिर जाएगा किसी ने कहा क्या हुआ कब मेरे उनके दरमियान में खंदक है और उसमें आग भरी हुई है और उसमें परदार कोई मखलूक़ है आपने फरमाई ज़बानियाँ थे अगर वो आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसकी बोटियाँ बोटियाँ नोट डालते फरमाया इसी तरह कुरान ने चैलेंज किया किसको यहूदियों को यहूदी क्या कहते थे लयद जन्नत जन्नतम का नहूदा जन्नत में सिर्फ अकेले यहूदी जाएंगे तो अल्लाह तारण का जब जन्नत में जाएंगे तो दुनिया में क्या है तकलीफ है वो जन्नत में क्या है अरे आराम ही आराम है तो दुनिया में क्यों पड़े वो जब जन्नत में जाओगे तो जितनी जल्दी आराम में पहुंच जाओ इतना ही अच्छा है और जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है जब तक जिंदा हो जब तक तो बोलो जा नहीं सकते तो क्या तरीका है मर जाओ है फल क्या है फतवन नबुल मौत इन कुन तुम सादीन अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तुम ही जन्नती हो और जन्नत तुम्हारे नाम अलाट कर दी गई हो और तुम्हारी जागीर बना दी गई है जन्नत तो फिर ऐसा करो मौत की तमन्ना करो अगर तुम दावे में सच्चे हो अब्दुल्ला अब बात फरमाते हैं अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते तो कोई जिंदा बाकी ना बचता वो भी जानते थे इसीलिए किसी यहूदी ने मतलब डराने के लिए मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए अच्छा ठीक है हम तमन्ना करते हैं मौत की किसी यहूदी ने तमन्ना भी ना की कोई यकीन इतना था और फरमा तीसरी आयत यह है कौन सी मुबाहला कि अगर वो ईसाई लोग जानने के बाद भी अगर वो मुबाहला कर लेते तो क्या है तो नजरान के दरख्तों पर चिड़िया और परिंदे भी बाकी न रहते सब बर्बाद हो जाते अल्लाह फरमाता है जब ये मानने के लिए तैयार नहीं कुरान का फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं मुबाहले के लिए भी तैयार नहीं है इसका मतलब क्या है ये खाली फितना और फसाद करना चाहिए फ़ैन तवलऊ अगर ये मुंह फेर लें फ़ैनल्लाम बिलमुफ़ीदी तो अल्लाह बिल तो अल्ला फसादियों को ख़ूब जानता है और जानता ही नहीं उनका इलाज करना भी जानता है अल्लाह ताला ने फ़रमाया पैगंबर, बात ख़त्म कर दीजिए अब जब कभी आदमी से पहले समझाए दलाइल की रोशनी में जब किसी तरीके समझ में ना आए तो आखिर में क्या करे दीन की दावत अगर दी जाए तो कैसे दी जाए अगर मुखालिफ लोगों को दीन की दावत दी जाए तो कैसे दी जाए क़ुरान बता रहा है सबसे पहले ऐसी चीज़ पेश की जाए जो सामने वाला भी मानता हो और आप भी मानते हो कैसे कहा कुरान ने कुल याहल किताब ए पैगम्बर आप कहिए अय किताब वालो तालव अलाकली सवाय बईननाबिन आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान तुम भी उसे मानते हो और हम भी उसे मानते उसी पे अमल कर लो तो इंजील जबूर हर आसमानी किताब में वही है हर नबी ने उसी चीज़ की दावत दी है वो चीज़ क्या है पता है अल्लाह नाअबाल्ला के हम इबादत नहीं करेंगे मगर अल्लाह की नुशरी कभी ही शही आ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे भाई तोरेज भी यही कहती है और हमारा कुरान भी यही कहता है और सारे नबी भी यही यही मान लो लेकिन तुम तो मानने वाले का जब खुदाई का खुदा का बेटा कहोगे तो फिर अल्लाह की तोहद बाकी नहीं रहेगी ईसा को खुदा कहोगे तो खुदा का तो खुदा की तोहद का इकरार कहाँ किया तुमने खुदाई में पार्टनर माना तो कहाँ हुआ खाली ज़बान से कहना तोहद वाले नहीं चलेगा ज़बान से भी मानो अमल से भी जाहिर करो हकीकत तस्लीम करो वला तखिदबादुना अरबाबमदूर और हम नहीं बनाएंगे हम में से नहीं बनाएगा कोई किसी को रब अल्लाह को छोड़कर अल्लाह को छोड़कर किसी को रब नहीं मानेंगे कुरान की आयत जब नाजिल हुई तो हजरत अदीब ने हातिम वही हातिम ताई हातिम ताई जानते हो नहीं सीरियल चला था हातिम दाई जिनकी सखावत बड़ी मशहूर है वो ईसाई थे उनके बेटे थे हज़रत हातिम हज़रत आदि वो ईसाई थे वायजूर पाला व्लम के पास उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनका क़ुरान में तो है कि अपने एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे और हम लोग किसी को रब नहीं बनाते आपने फरमाया तुम्हारे पादरी और तुम्हारे पोप जिस चीज़ को हलाल कर देते हैं उसको हलाल समझते हो जिसको हराम कर देते हैं उसको हराम समझते हो हालांकि हलाल और हराम का हक़ अकेले अल्लाह को कल हाँ ये तो है अल्लाह उसी को फरमा रहा आओ इसको तस्लीम कर लें जो तमाम नबियों की मुतफ़ा तालीम है क्या वाला अरबाबा मंदूर और हम में से कोई किसी को रब नहीं मानेगा अल्लाह के अलावा अल्लाह फरमाता फ़ैन तवलऊ अगर फिर भी न माने फ़कूलू तो कह दो इशहदू तुम गवार रहो भी अन्ना मुस्लिम हम मानने वाले हमने अल्लाह की तोहिद को जबान से भी माना दिल से भी माना अमल से भी मानते हैं तुम ना मानो तुम्हारा तुम जानो लेकिन गवार है ना हम मानते हैं अल्लाह फरमाता है या हल्की किताबिल में तो हाज जूनफी इब्राहिमाज तौरातलबाद ही अफला जैसे एक बात में सारे मजहब वाले शरीक थे क्या अल्लाह की तोहद ऐसे ही एक चीज़ में सारे मजहब वाले शरीक थे क्या इब्राहीम की तज़ीम हर जमात के लोग क्या कहते थे इब्राहीम हमारे हैं यहूदी कहते थे हमारे ईसाई हमारे और मुसलमान हमारे और मशरक हमारे यहूदियों ने क्या कहा कि हज़रत इब्राहिम यहूदी थे ये यह नहीं कहा हमारे कल वो भी यहूदी थे और ईसाइयों ने कहा वो क्या थे ईसाई थे मुशरिकों ने कहा वो मुशरिक थे मुसलमानों ने क्या कहा वो, वो मुदिद थे अल्लाह ताला फरमा रहा है किस कदर बदाकल हो तुम लोग यहूदियत कब से पैदा हुई तौरात के नाजिल होने के बाद और ईसाइयत कब से वजूद में आई तौरात के नाज़िल होने के बाद यहूदियत आई और इंजील के नाज़िल होने के बाद ईसाइत और तौरत और इंजील ये दोनों इब्राहीम आसम के बहुत बाद में नाज़िल हुई हैं तो इब्राहीम यहूदी कैसे हो गए अक़ल के पैदल लोगों सुनिए कुरान क्या कहता है या याहल किताबी तो नसी इब्राहिम अय किताब वालों यहूदियों और ईसाइयों क्यों बहस करते हो इब्राहीम आसलाम के बारे में इंजील तौरातुल इंजील्म्बा दी हालाँकि नहीं उतारी गई तोरेत और इंजील मगर इब्राहीम आलम के बाद अफला तकरुन अकल से काम नहीं लेते कैसे हो जाएंगे वो यहूदी और कैसे हो जाएंगे ईसाई बल्कि तुम्हारी तरह तो हजरत मूसा भी यहूदी नहीं थे और तुम्हारी तरह ईसा भी यहूदी नहीं थे इब्राहिम और मूसा के दरमियान एक हज़ार साल का फासला और ईसा आसलम और मूसा आलत के दरमियान में कितना दो हज़ार साल का फासला इतने जमाने के बाद जो चीज़ वजूद में आई हो और कह रहे हो इब्राहिम भी वही थे अल्लाह ताली फरमाता है हा अंतुम हाउलाई हाजस तुम फीमा लकुम भी तुम वही लोग हो तुमने बहस की उसके बारे में जिसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम थी यानी ईसा सलाम कुछ तो थी थोड़ी बहुत मगर नाकिस मालूम तुम्हारी थी और तुम उसके बारे में बहस करने लगे जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी मलूम नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता तुम वही लोग हो हाज तुम तुमने बहस की फ़ीमा लकुम भी इल्म जिसके बारे में तुम्हें कुछ वाकफियत थी फलीमा तो हाज जूना क्यों बहस करते हो फीमा फ़ीमासल भी जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है और सुनो वल्लाहु यालम वल्लाम ला तालमून अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, नहीं जानते। तो अल्लाह का फैसला मान लो इब्राहिम क्या थे सुनिए अल्लाह फैसला कर रहा है माँ का ना इब्राहिम यहूदिया इब्राहिम स्लम यहूदी नहीं थे वला नसरानिया और ईसाई भी नहीं थे वला किन कान हनीफम मुस्लिम लेकिन वो हनीफ थे और मुस्लिम थे हनीफ कहते हैं एक ख़ुदा को मानने वाला तोहीद का कायम, मुस्लिम के माने फर्मा बरदार अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाला तुम ना अल्लाह के हुक्म को मानो उज़ैर को अल्लाह का बेटा को हो मसीह को अल्लाह का बेटा कहो ये अल्लाह को मानना है ओला किनकाना हनीफ़ मुसलिमा और वो मुसलमान हनीफ थे यकसू थे और मुसलमान थे अमाकान अमिनुशरक़िल और वह मशरक़ भी नहीं थे इन्नाउासिब इब्राहिम लल लजीन तबाऊ वदर नबी उल्लीन आमनू अल्लामौमीन अल्लाह ताल फ़रमाते हैं कि बेशक इब्राहीम आसलम के साथ ज़्यादा खसूसियत और तल्लुक़ रखने वाले न यहूदी हैं और ना ईसाई कौन है ताल्लुक रखने वाला फरमा फर्मादी तब वो लोग हैं जिन्होंने इब्राहीम की पैरवी की उनके ज़माने में और कौन है वहादर नबी और ये नबी कौन मोहम्मद रसूल वीन आमन और मोहम्मद पर जो ईमान लाने वाले हैं इनका ख़ास तल्लक किससे है इब्राहिम आलाम से है जो उनकी शरीय थी वही इनकी शरीयत है जो उनका दीन था वही इनका दीन है क्या कहा था आपने ये क़ुरबानी क्या है साहबा ने पूछा तो क्या कहा था आपने सुन्नत व अभी कुम इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत अरे है, है नहीं है वाह वलीजुलमोमिन और अल्लाह ताला ईमान वालों का हामी मददगार है अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों का हामी और मददगार है अल्लाह ताला इन गुजारिशात को फरमाए अमल करने की तौफीक त फरमाए कोई पर्चा तो नहीं आया है अल्लास आल सज्ना वाल आल सजना का मात इब उतर आदद मात अब उतर्रा अल्लांत सलाम उमिन का सलाम उतबा रखत यादलाक्राम अयल हम सब की हाज़री को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा ई म कामिलर्मा अमाल साल की तोफ़ी अता फ़रमा नफ़ शैतान के धोखे से बुरे कामों से बुरी बातों से अयल् एक एक उम्मती की हिफ़ाज़त फरमा अयल इस दरसन को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा इसकी बरकत से अल्लाह हम सबकी मगफ़रत फरमा अल्लाह अल्लाद आमाल अखलाक की दुरुस्तगी पैदा फरमा अल्लाह सलीम साहब की अहलिया और सीमा और इसी तरीके से जो और बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उन सब को शिफ़ा आता फ़रमा जिनको रिश्तों की तलब है अच्छे रिश्ते उनको अता फ़रमा दे जो दुनिया सजा चुके हैं उन सब माफ़ फरमा और जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनका हम पर हक़ है या वो उम्मीद रखते हैं अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा हम सब को इस्लाम पर जिंदा रख ईमान पर मौत दे ईमान वालों के साथ हशर फरमा अमीन या रब्बल ला रब्लम वसल रिश्ते के लिए